हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्थिति। माय नेम इज प्रेरणा एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम एक ही कलर के प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं और बाकी कलर्स हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करते? आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है कि कलर्स हमारी लाइफ में कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज को, हमारे इमोशंस को कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं। अक्सर हम इस बारे में नहीं सोचते हैं कि कलर्स जो हैं काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। पर आपको जान के हैरानगी होगी कि जिस कलर का फूड होता है वो एक्चुअल में हमें टेस्ट में इम्पैक्ट करता है। जिस कमरे में हम रहते हैं वो हमें किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। जिस कलर के कपड़े हम पहनते हैं इनफैक्ट वो भी हमें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। पर ये सब जानने से पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि कल्चर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कल्चर में हो सकता है कि एक कलर को लकी माना जाए और दूसरे कल्चर में हो सकता है कि उसे अनलकी माना जाए। कलर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। वार्म कलर्स और कूल कलर्स के बारे में अक्सर हमने आर्ट क्लास में सुना होगा, पर ये कलर्स जो हैं एक्चुअल में हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। वार्म कलर्स में आते हैं आपके ब्राइट कलर्स जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा डल फील कर रहा है, बोरिंग फील कर रहा है, तो हम उसे अगर एक ब्राइट कलर रूम में बिठा दें तो ऑटोमेटिकली उसका मूड जो है अपलिफ्ट हो जाएगा। पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर ये कलर्स बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये कहीं ना कहीं हमको इरिटेट कर सकते हैं या अनॉय कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में हम कलर कोऑर्डिनेशन रखें अपने रूम्स में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो होते हैं कूल कलर्स। कूल कलर्स कौन से होते हैं? जैसे कि स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, ये सारे जो है कूल कलर्स हैं। तो इनको हम अपने बेडरूम के कलर्स से मैच कर सकते हैं, इनको हम अपने प्रेयर रूम्स में रख सकते हैं, अपने मेडिटेशनल रूम में रख सकते हैं। और इनफैक्ट जब हमें प्रेयर करनी है या मेडिटेशन करनी है तो वी ऑल वॉन्ट कूल कलर रूम शुड बी देयर सो दैट वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट फुली। कलर्स का यूजुअली डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट कल्चर्स में, और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट कल्चर। जैसे कि रेड कलर। रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? अग्रेशन, पावर। और अगर इसे पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है लव एंड पैशन। अब चलते हैं हम एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ जहां प्रोडक्ट्स का जो कलर है वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं काफी टाइम से कलर साइकोलॉजी यूज करते हुए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं ताकि उनके मैक्सिमम सेल हो एंड मैक्सिमम बायर्स हो। से फॉर एग्जाम्पल रेड कलर। रेड कलर कैचेज योर अटेंशन वेरी क्विकली, तो जहां पे भी उन्हें हेवी डिस्काउंट्स दिखाना है या स्पेशल डिस्काउंट्स दिखाना है दे आर मोर लाइकली टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट विद रेड कलर। इनफैक्ट जो इम्पल्सिव शॉपर्स होते हैं वो इसकी वजह से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एंड दे आर मोस्ट लाइकली टू बाय सम और दी अदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट कलर जो है व्हाइट। व्हाइट रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को। तो हमने अक्सर देखा है कि व्हाइट कलर हमें देखने को मिलता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जैसे कि सोप्स हैं, क्रीम्स हैं। अगला कलर जो है वो है ग्रीन। ग्रीन रिप्रेजेंट्स करता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। जहाँ पे हमें कोई भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट दिखाना है जैसे हर्बल टी और एनी अदर थिंग सो दे आर मोस्ट लाइकली टू यूज दिस ग्रीन कलर। देन द नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अफोर्डेबिलिटी को। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर सुपरमार्केट में उन्हें दिखाना है कि हमारी घर की यहाँ पे फेयर प्राइस मार्केट है। ब्लैक कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोफेस्टिकेशन को। तो हमने देखा है जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कि फोन्स, लैपटॉप्स, यूजुअली ब्लैक कलर में दिखाए जाते हैं। ब्लैक एंड रेड कलर जो है अक्सर फैशन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्फिडेंस को। इनफैक्ट अगर हमें किसी इंटरव्यू के लिए भी जाना होता है तो हम ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाना प्रेफर करते हैं। आपको जान के एक और बात पे हैरानगी होगी कि खाली हमारे मूड, थॉट्स, इमोशंस को ही नहीं इफेक्ट करते कलर्स, बल्कि हमारे
एपेटाइट या भूख को भी कहीं ना कहीं कलर्स जो है इम्पैक्ट करते हैं। कई रिसर्चेस हुए हैं जिसमें बताया गया है कि जो इंसान रेड कलर की प्लेट में खाना खाते हैं दे आर लाइकली टू ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर ईटिंग इन वाइट कलर प्लेट्स। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू कंट्रोल योर एपेटाइट मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग करेक्ट कलर प्लेट। कुछ कलर्स हैं जो हमें नेचुरली हैप्पी फील करवाते हैं या इनकरेज फील करवाते हैं। ऑल्दो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है बट जनरली देखा गया है कि ब्लू कलर जो है वो टॉप मोस्ट में रखा गया है कि जो लोगों को इनकरेज फील करवाता है या हैप्पी फील करवाता है। एंड सेकेंड टॉप मोस्ट कलर इज येलो। जैसे कुछ कलर्स हैं जो हमें हैप्पी फील करा रहे हैं एंड कुछ कलर्स हैं जो एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया है रिसर्चेस में कि लोग ब्राउन कलर जो है ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड कलर बाय पीपल। तो देखा जाए कलर्स जो है सबकॉन्शियसली हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे मूड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हर इंसान हर कलर को डिफरेंट तरीके से परसीव करता है और वो डिफरेंट तरीके से उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। पर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेल अस इन द कमेंट सेक्शन विच इज योर फेवरेट कलर एंड व्हाई यू आर एबल टू रिलेट विद दैट कलर। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू Like, share and subscribe to my channel for more such interesting videos.